गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माय नेम इज सुनील चतुर्वेदी, सीनियर लेक्चर गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है मैनेजमेंट टेक्निक, अर्थात प्रबंध की तकनीकी। देखिए, कोई भी मैनेजमेंट, चाहे उसका स्तर छोटा हो या बहुत बड़ा हो, मैनेजमेंट को एक प्रभावी मैनेजमेंट पैदा करने के लिए जब तक व्यक्ति पर उसकी टेक्निक्स नहीं होगी कि आखिर प्रबंध किस तरह से कार्य करता है, जब तक प्रबंध का आपको रोल समझ में नहीं आएगा, तब तक आप वो तकनीकी उसके अंदर पैदा नहीं कर सकते और अपना टारगेट अचीवमेंट नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें मैनेजमेंट की तकनीकी का भान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो किसी भी संस्था के उद्देश्यों तथा उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वही प्रबंध के कार्य की कहलाते हैं। जैसे आपको कोई टास्क दे दिया, ठीक है, अब उस टास्क को आप कैसे फिनिश करते हैं, कैसे किस तरह की आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कैसे आप उसको, उसके लिए क्या क्या आपको इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, क्या आपकी प्लानिंग होती है, वो सब कुछ उसके अंदर जो रोल होता है वो सब है जो प्रबंध के कार्य कहलाते हैं। यदि हम प्रबंध के कार्य को अगर डिवाइड करते हैं तो ये 7 पार्ट्स इसके निकलते हैं। सबसे पहले इसमें नियोजन आता है, उसके बाद संगठन आता है, नियोजन मीन्स प्लानिंग, संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद नियुक्ति आती है यानी स्टाफिंग, फिर उसके बाद निर्देशन आता है यानी डायरेक्शन, और फिर आता है समन्वय, समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन, फिर उसके बाद आता है नियंत्रण, नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल, एंड नेक्स्ट है उत्प्रेरण। आज हम, चूंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको 2 या 3 पार्ट में इसको फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रबंध का, वो है नियोजन। नियोजन से हमारा तात्पर्य है कोई भी प्लानिंग से, जैसे आपको कोई भी कहें कि आपने कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डालनी है, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर तो हैं, लेकिन यदि आपने कोई भी उद्योग, बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डालनी है तो आपको इन तकनीकी का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में नियोजन पैदा हुआ, तो जब तक आपके दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो नियोजन क्या है? नियोजन एक मस्तिष्क की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसकी बुद्धिमत्ता, कल्पना शक्ति, अग्रदृष्टि, पक्के इरादे की आवश्यकता होती है। अर्थात नियोजन का जो उद्देश्य है वो एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नियोजन कैसे करना है, कहाँ करना है, किस समय पे करना है, कब करना है, कितने लोगों के बीच करना है, ये सब एक प्लानिंग के अंतर्गत आता है। किसी भी प्रबंध या प्रतिष्ठान के नियोजन और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे पहले उसके हमें पूरे बारे में उसकी जानकारी हासिल करनी पड़ती है और उसके क्या क्या विकल्प है उसके बारे में जानकारी करनी पड़ती है। अतः हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनिश्चितता को निश्चितता में बदलती है। देखिए, जब तक हम किसी की प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम टारगेट अचीव करेंगे। सबसे पहले
हमारा जो फर्स्ट काम है वो है कल्पना करना, प्लानिंग करना और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प तलाशना, यही प्रबंध कहलाता है। और नियोजन का प्रबंध में सबसे बड़ा स्थान है। यदि आप प्रबंध करेंगे तो सबसे पहले आपको नियोजन के बारे में, प्लानिंग के बारे में करना ही पड़ेगा। और उस प्लानिंग करने के लिए आपको एक विधि का चयन करना पड़ेगा ताकि आपके लिए एक अच्छे परिणाम आवे और परिणाम के साथ साथ भविष्य में क्या क्या करना है इसका एक पूर्ण निर्धारण हो जाए, तभी जा कर के हम एक टारगेट अचीवमेंट की तरफ जा सकते हैं। देखिए नियोजन के अंदर मैनेजमेंट, यदि जहाँ मैनेजमेंट का रोल आता है तो सबसे बड़ा यदि रोल होता है तो वो एक प्लानिंग का होता है, नियोजन का। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रोल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे बड़ा अगर यदि रोल होता है तो वो होता है नियोजन का। इसके बाद नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।